मैं रविकांत आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्लासगो कोमा स्केल या फिर GCS स्कोर। क्या होता है ये स्कोर, GCS पी स्कोर क्या होता है, वो भी आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसका क्या यूज़ होता है, कैसे इसे अप्लाई करते हैं, तो आज के लेक्चर में इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और साथ ही साथ हम लोग ट्रिक के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग GCS स्केल को याद कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि GCS स्कोर या फिर ग्लासगो कोमा स्केल क्या होती है। तो ये एक स्कोर होता है जिसके थ्रू हम लोग एक पर्सन का रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें हम लोग कोई भी पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको हेड इंजरी है या हेड इंजरी का सस्पेक्ट है, फॉल का सस्पेक्ट है, तो उस पर्सन में ब्रेन के डिसफंक्शन को असेस करने के लिए रैपिडली हम इस टूल का यूज़ करते हैं। और उसके थ्रू हम बताते हैं कि उस पर्सन को किस लेवल का इंजरी हुआ है, या फिर कोई पर्सन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, उसको असेस करने के लिए भी इस टूल का हम लोग यूज करते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसको 1974 के अंदर जेनेट और टीसडेल ने सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर इसको सबसे पहले डेवलप किया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्लासगो कोमा स्केल। इसके अंदर तीन रिस्पॉन्सेज उन्होंने बताए थे, आई रिस्पॉन्स, वाटर मोटर रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स, जिसको EVM के नाम से भी हम लोग जानते हैं, आई वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स नाम से जिसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद में एक साल बाद में एडिलेड ने इसको बच्चों के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, वो भी हम लोग देखेंगे इसी आज के लेक्चर के अंदर। और रिसेंटली अप्रैल 2018 के अंदर जो इसमें तीन पैरामीटर जो थे EVM, उसके साथ में फोर्थ पैरामीटर और ऐड किया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट, यानी लाइट जब डालते हैं तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है या नहीं होता है, वो चीज़ जो है इसमें ऐड किया गया है, तो उसको भी हम लोग अगर आगे जा करके देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि GCS स्कोर जो होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है और क्या क्या इसके यूजेज होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्लासगो कोमा स्केल होती है वो मेनली जो अपना रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, हेड इंजरी के पेशेंट में जो ब्रेन के डिसफंक्शन को असेस करने के लिए किया जाता है, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो होता है टोटल तीन पैरामीटर होते हैं EVM, फोर्थ पैरामीटर जो ऐड किया गया है वो है प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट। इसका जो GCS स्कोर का जो मिनिमम स्कोर होता है वो होता है 3 और मैक्सिमम स्कोर होता है 15। ऐसे ही GCSP यानी चारों पैरामीटर के साथ हम अगर इसको हम लोग देखते हैं तो उसे हम लोग GCSP स्कोर बोलते हैं, और उसका जो मिनिमम स्कोर होता है वो होता है 1 और मैक्सिमम स्कोर होता है 15। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे कि इसके जो EVM स्कोर थे, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स, उसको किस तरीके से स्कोरिंग दी जाती है, तो ट्रिक से हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्कोरिंग के अंदर जैसा कि हम लोग स्लाइड में देख रहे हैं तीन स्कोर है, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले बात करें आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, जो मिनिमम 1 होता है मैक्सिमम 4, वर्बल रिस्पॉन्स मिनिमम 1 होता है मैक्सिमम 5 होता है, और मोटर रिस्पॉन्स मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 6 होता है। तो इस तरीके से किसी भी पर्सन में तीनों को मिला करके मिनिमम स्कोर 3 होगा, अगर 1-1 भी है, और अगर मैक्सिमम स्कोर की बात करें तो तीनों को मिलाएंगे तो 4+5+6, तो मैक्सिमम स्कोर जो है 15 होगा। तो सबसे पहले आई रिस्पॉन्स में 4-3-2-1 यानी मैक्सिमम स्कोर 4 होता है। अगर एक पर्सन जो कि आंखें लगातार ओपन कर रहा है तो उसको हम लोग 4 स्कोर देते हैं आई के अंदर। अगर साउंड देने पर, आवाज़ देने पर वो खोल रहा है फिर बंद कर लेता है तो ऐसी कंडीशन में 3 स्कोर देंगे। पेन या दर्द देने पर पेशेंट अगर आंखें खोल रहा है केवल तो उसको 2 स्कोर देंगे, और पेन देने के बाद भी अगर आंखें नहीं खोल रहा है तो 1 स्कोर दिया जाता है उस पर्सन को। इसी तरीके से वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर जो है 5 हम लोग जब देते हैं स्कोर, जब पेशेंट ओरिएंटेड स्पीच कर रहे हैं 4 देते हैं, जब कंफ्यूज्ड स्पीच है 3 देते हैं, कि जब कोई पर्सन वर्ड्स बोल रहा है लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट है जो कि रिलेटेड नहीं है आपके क्वेश्चन से, 2 स्कोर दिया जाता है। जब केवल साउंड, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड्स प्रोड्यूस करता है पर्सन, और अगर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है तो उसको 1 स्कोर दिया जाता है। ऐसे ही मोटर रिस्पॉन्स में जो होता है मैक्सिमम स्कोर 6 होता है, जब पर्सन कमांड, जो आप कमांड कहेंगे वो उसको फॉलो कर रहा है। 5 स्कोर होता है लोकलाइज टू पेन, यानी पेन जिस एरिया में, जिस बॉडी ऑर्गन पे आप पेन करोगे उस ऑर्गन में मूवमेंट करेगा। 4 स्कोर जब दिया जाता है जब पर्सन पेन के बाद में विड्रॉ करता है उस एक्सट्रीमिटी को, तो वहाँ पर 4 स्कोर दिया जाता है।
तीन स्कोर दिया जाता है जब पर्सन एबनॉर्मल फ्लेक्सन होता है, दोनों हाथ जो होते हैं चेस्ट के ऊपर स्टिफली जो होते हैं हार्डली फ्लेक्स्ड हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम लोग डिकोर्टिकेट भी बोलते हैं। दो स्कोर जब दिया जाता है जब पर्सन का एबनॉर्मल एक्सटेंशन होता है, यानी दोनों हाथ जो होते हैं एक्सटेंडेड होते हैं और स्टिफ होते हैं, इसमें हम लोग उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग डिसेरेब्रेट भी कहते हैं। और एक रिस्पॉन्स दिया जाता है जब पर्सन कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब इसको हम लोग ट्रिक से समझते हैं, तो ट्रिक ये है कि पहले मैं ट्रिक बताता हूँ उसके बाद में हम लोग स्कोरिंग को देखेंगे। तो ट्रिक है कि ESPN चैनल होता है एक जिसके ऊपर क्रिकेट का मैच आता है, और इंडिया अगर मैच जीत जाती है तो कैप्टन क्या बोलता है, आवर कंट्री विन, और उसके बाद में जो फ़ैन होते हैं उनको देख करके जो भी कैप्टन होता है वो ये बोलता है कि कांट लिव विदाउट फैन। तो ये तीन लाइनें होगी, इन्हीं तीनों लाइन में EVM स्कोर हम लोग देखेंगे। तो ESPN से हो गया अपना आई रिस्पॉन्स, तो हम लोग देख पा रहे हैं E4 आई ओपन स्पॉन्टेनियस, S4 साउंड के बाद खोलता है, P4 पेन के बाद खोलता है आई ओपन, और N का मतलब नॉट ओपनिंग, यानी आईज ओपन नहीं करता है। ऐसे आवर कंट्री विन, तो हम लोग देख रहे हैं आवर मतलब ओरिएंटेड स्पीच, कंट्री मतलब कंफ्यूज्ड स्पीच, विन में तीन वर्ड्स हैं WIN, तो W का मतलब हो गया वर्ड्स, I का मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, और N का मतलब नो रिस्पॉन्स। ऐसे ही तीसरा जो है मोटर रिस्पॉन्स, उसके अंदर जो अपना सेंटेंस है वो है कांट लिव विदाउट फैन, तो कांट का मतलब हो गया कमांड टू ओबे, लिव का मतलब हो गया लोकलाइज टू पेन, विदाउट का मतलब हो गया विड्रॉ टू पेन, F का मतलब फ्लेक्सन जिसको हम लोग डिकोर्टिकेट भी बोलते हैं, A का मतलब एबनॉर्मल एक्सटेंशन जिसे हम लोग डिसेरेब्रेट भी बोलते हैं, और N का मतलब नो रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से इस ट्रिक को हम लोग अगर याद रख लेते हैं तो ये स्कोरिंग भी हम इजीली याद रख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि एक 50 ईयर ओल्ड पर्सन है जिसको हेड इंजरी हुई है, और वो पर्सन जो है आई ओपन टू साउंड, यानी साउंड देने पर आँखें खोल रहा है फिर बंद कर लेता है, और उसका जो स्पीच है वो कन्फ्यूज्ड स्पीच है, और मोटर मूवमेंट जो है उसका लोकलाइज्ड है पेन के अगेंस्ट, तो उस पर्सन का कितना स्कोर आप लोग हो सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के इसका आंसर ज़रूर दें। अब हम लोग बात करते हैं मॉडिफाइड GCS स्केल, यानी कि मॉडिफाइड ग्लासगो कोमा स्केल, या फिर इसे हम लोग GCSP स्केल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो होता है टोटल तीन पैरामीटर होते हैं EVM, फोर्थ पैरामीटर जो ऐड किया गया है वो है प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट। इसका जो GCS स्कोर का जो मिनिमम स्कोर होता है वो होता है 3 और मैक्सिमम स्कोर होता है 15। ऐसे ही GCSP यानी चारों पैरामीटर के साथ हम अगर इसको हम लोग देखते हैं तो उसे हम लोग GCSP स्कोर बोलते हैं, और उसका जो मिनिमम स्कोर होता है वो होता है 1 और मैक्सिमम स्कोर होता है 15। तो इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि प्यूपिल अनरिएक्टिव टू लाइट, और उसके सामने है PRS यानी प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर। तो यहाँ पर हम लोग समझने वाली बात है अनरिएक्टिव यानी लाइट डालने पे प्यूपिल अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर अगर दोनों प्यूपिल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, बोथ प्यूपिल नॉट रिएक्टिव, तो उसको -2 स्कोर देते हैं। अगर केवल एक प्यूपिल रिएक्शन दे रहा है, दूसरा प्यूपिल रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो उसको -1 स्कोर देंगे। और दोनों ही प्यूपिल अनरिएक्टिव नहीं है, इट मीन्स दोनों ही पीपल लाइट से रिएक्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग 0 स्कोर देते हैं। तो यहाँ पर जो है PRS जो होता है 0 जो होगा मैक्सिमम, -2 हो गया मिनिमम स्कोर। तो इस तरीके से हम लोग GCSP का जो टोटल स्कोर देखेंगे, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सामने आता है GCSP इज इक्वल टू GCS माइनस PRS, यानी ग्लासगो कोमा स्केल का जो स्कोर है उसमें -PRS करेंगे तो GCSP का स्कोर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करें मिनिमम GCSP कितना होता है, तो वो मिनिमम GCS माइनस मिनिमम PRS, तो मिनिमम GCS था 3 और मिनिमम PRS हो गया -2, तो इस तरीके से जो स्कोर आ गया वो अपने पास आ गया 1। ऐसे ही मैक्सिमम GCS जो होगा वो होगा मैक्सिमम GCS माइनस मैक्सिमम PRS, तो मैक्सिमम GCS था अपने पास 15 और मैक्सिमम PRS था वो अपने पास 0 था, तो यहाँ पर अगर 0 को माइनस करेंगे तो 15 ही यहाँ पर आने वाला है। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो ग्लासगो कोमा स्केल है वो तीन पैरामीटर बताते हैं, वहाँ पर मिनिमम स्कोर जो था वो था 3 और मैक्सिमम स्कोर था 15, लेकिन GCSP यानी चार पैरामीटर के साथ में हम लोग असेस करते हैं, तो यहाँ पर जो अपने पास में जो स्कोर आएगा वो मिनिमम 1 आएगा और मैक्सिमम जो स्कोर है वो 15 आएगा। तो यहाँ पर क्या मतलब है, मिनिमम स्कोर का मतलब पर्सन जो है कोमा की स्टेज में है, और मैक्सिमम स्कोर यानी 15 की तरफ अगर किसी का स्कोर है, इट मीन्स वो फुल्ली कॉन्सियसनेस है, फुल्ली अलर्ट है वो पर्सन, और उसके बीच में है तो वो पर्सन का जो लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस है वो प्रॉपर नहीं है, इट मीन्स उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस।
अब अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो अपनी स्टेजेस है सामने आप लोग देख पा रहे हैं कि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है फुली अलर्ट होना, देन आफ्टर कन्फ्यूजन होता है उसका मतलब डिसओरिएंटेड या इम्पेयर्ड थिंकिंग होता है, अगर कोई पर्सन डिलीरियस हम लोग शब्द यूज करें इट मीन्स वो रेस्टलेस है या फिर हेलुसिनेट है और या फिर डिल्यूजन है यानी फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है उस पर्सन के अंदर। ऐसे ही लिथार्जी का मतलब होता है ड्राउजीनेस या नींद जैसी स्थिति, जैसे कि स्लीप लाइक स्टेट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं या सोमनोलेंट भी बोल सकते हैं। ऐसे ऑप्टेंडेड जो स्टेट होती है उसमें पर्सन के साइकोमोटर रिस्पॉन्स जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, पर्सन को इनपुट और आउटपुट दोनों ही स्लो हो जाते हैं, पर्सन स्लो यहाँ पर जो भी स्पीच होगी वो स्लो होगी या पर्सन को जो भी सुनाई दे रहा है इनपुट सुनाई दे रहा है वो भी स्लो होगा। ऐसे स्टूपरस जो कंडीशन होती है उसे हम लोग सिनकोप भी बोलते हैं। इस कंडीशन के अंदर जो है पेशेंट को ऐसी स्टेट हो जाती है, स्लीप लाइक स्टेट ही होती है, बट पर्सन को उससे अराउज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और कोमाटोज पर्सन के अंदर जो होता है कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। तो यहाँ पर जो पहली दो कंडीशन है कन्फ्यूजन और डिलीरियस उनको हम लोग माइल्ड कंडीशन के अंदर बोलते हैं, लिथार्जी और ऑप्टेंडेट है वो मॉडरेट कंडीशन होती है, और स्टूपरस और कोमा होती है वो सीवियर कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जो अपना GCS स्कोर है वो इस तरीके से दिया जाता है कि अगर किसी पर्सन का स्कोर 13 या 14 आ रहा है, टोटल स्कोर मैक्सिमम 15 था, इट मीन्स फुली अलर्ट है, लेकिन 13 से 14 के बीच में स्कोर है तो वो पर्सन कन्फ्यूजन या डिलीरियस कहलाएगा और उस कंडीशन को हम लोग माइल्ड कंडीशन कहेंगे। ऐसे ही किसी पर्सन का GCS स्कोर 9 से 12 के बीच में है इट मीन्स वो लिथार्जी या ऑप्टेंडेड कंडीशन के अंदर है और इसे हम लोग मॉडरेट कंडीशन कहेंगे। ऐसे ही स्टूपरस या कोमाटोज कंडीशन के अंदर कोई पेशेंट है तो उसका स्कोर 3 से 8 के बीच में आएगा, तो ये जो है सीवियर कंडीशन होती है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी पर्सन का जो स्कोर है 9 है GCS स्कोर तो वो पर्सन कैसी कंडीशन के अंदर है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल ऑफ अनकॉन्शियस है या फिर मॉडरेट लेवल ऑफ हेड इंजरी उसे है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि किसी पर्सन का ग्लासगो कोमा स्कोर जितना कम होगा उसकी जो हेड इंजरी है उतनी ही सीवियर होगी, और जितना ज़्यादा होगा स्कोर वो हेड इंजरी उतनी ही कम होगी। और अभी हम लोग आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं उनको भी हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट की आईज़ के अंदर स्वेलिंग है जिसकी वजह से वो आंखें ओपन नहीं कर पा रहा है, तो उस पर्सन ऐसे पर्सन में जो है आई रिस्पॉन्स हम लोग नोट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम सिंपली कैपिटल सी लिख देते हैं और बाकी वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर एक पर्सन जो कि बोल नहीं सकता उस पर्सन के GCS स्कोर में हम लोग डी जो है नोट कर लेते हैं, बाकी के दोनों रिस्पॉन्स नोट कर लेते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसको ट्रेकियोस्टोमी हुई है यानी ट्रेकिया के अंदर ट्यूबिंग्स लगी हुई है, तो उस पर्सन के अंदर भी वर्बल रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो उस पर्सन के स्कोर में हम लोग कैपिटल टी लिख लेते हैं और बाकी के जो दो रिस्पॉन्सेज हैं वर्बल रिस्पॉन्स को छोड़ करके उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। पीडियाट्रिक कोमा स्केल जो होती है वो एडिलेड ने डेवलप करी थी 1975 में, उसको मॉडिफाई किया था GCS स्केल को 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, तो उन्होंने जो वर्बल रिस्पॉन्स है वो इसमें चेंजेस किए थे क्योंकि 5 साल से छोटा बच्चा जनरली बोल नहीं पाता है। उस कंडीशन में 5 स्कोर दिया जाता है जब बच्चा जो है ओरिएंटेड है, स्माइल कर रहा है या किसी भी साउंड को फॉलो कर रहा है। 4 स्कोर जब दिया जाता है जब बच्चा क्राइज करता है बट वो कंसोलिडेट हो सकती है, मतलब वो बच्चा रुक चुप हो सकता है। 3 स्कोर जब दिया जाता है जब बच्चा माउनिंग या इनकंसिस्टेंटली जो है क्राइज करता रहता है। 2 स्कोर जब दिया जाता है जब बच्चा एजिटेटेड है, चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, और 1 स्कोर जब देते हैं जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो आज के लेक्चर में अगर आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।